स्क्रीन दिखाई दे रही सभी को? सभी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही? यस सर। तो क्या होता है, हमारा सेशन जो रहता है वो 40 मिनट का रहता है, इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। 40 मिनट हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली मीटिंग लेट हो जाती है। ओके, तो हर लेक्चर में ये दिक्कत आती होगी कि 40 मिनट हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। ओके, तो स्विच ऑफ होने के बाद जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेने का। ओके, देखो द गैस यूज एज अ कूलर इन अ रेफ्रिजरेटर, कौन सी गैस यूज करते हैं हम? फ्रेयन 12 को यूज करते हैं हम। जो फ्रेयन 12 होती है तो उसके वजह से एक क्लोरोफ्लोरोमीथेन ऐसा एक बाद में इसका बाय प्रोडक्ट निकलता है, जो कि हमारे जो ओजन रहता है उसका डिकम्पोजिशन करता है, ओजन का डिकम्पोजिशन, उसको मेरे हिसाब से क्लोरोफ्लोरोमीथेन ऐसा कुछ कहते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी जल्दी मुझे। द मेटल विच इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, कौन सी मेटल हाइड्रोजन से भी ज्यादा रिएक्टिव है? कॉपर। कॉपर, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कैसे आएगा? सिल्वर। 13। यस, टीन इज करेक्ट आंसर। ओके, टीन आएगा, मोर रिएक्टिव होता है टीन हाइड्रोजन से भी ज्यादा। ओके, अब पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है पूरे पीरियोडिक टेबल में? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोडियम। नो सोडियम, नो सोडियम विनायक, नो सोडियम नॉट, पूरे पीरियोडिक टेबल में पूछ रहा हूँ मैं, पूरे पीरियोडिक टेबल में। पोटेशियम। पोटेशियम भी रहता है लेकिन वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पूछा मैंने, सबसे ज्यादा जो फ्रांसियम रहता है, कौन सा सबसे ज्यादा? यस, फ्रांसियम इज करेक्ट आंसर। फ्रांसियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पीरियोडिक टेबल में। एलिमेंट आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया जाएगा, यहाँ पर कभी कभी एलिमेंट पूछा जाएगा, कभी कभी मेटल पूछा जाएगा, कभी कभी मेटलॉइड पूछा जाएगा। तो पहले इस बात को ध्यान रखने का कि यहाँ पर मेटल पूछा गया है या फिर एलिमेंट पूछा गया है। ओके, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर मेटल हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, इससे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज, बताओ कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे सर? 14 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी, बताओ मुझे कैसे आएगा फिर ऑप्शन नंबर सी कैसे आएगा सर? सर क्योंकि सर 13 इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर और 27 प्लस 27 इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन यहां पर 13 है तो 27 माइनस 13 इक्वल टू 14। यस यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो द पॉलीमर ऑब्टेन थ्रू द कंडक्शन ऑफ हेक्सामिथिलीन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड, बेकलाइट। नो बेकलाइट, नो, यहाँ पर सबसे फेमस, सबसे फेमस कौन सा पॉलीमर है मुझे बताओ सबसे पहले? नायलॉन। यस, नायलॉन 66। नायलॉन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या दिया है, हेक्सामिथिलीन डायमाइन, क्या दिया है? डायमाइन। अमाइन में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट रहता है? अमाइन में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट रहता है? NH2 प्रेजेंट रहता है ना? हाँ सर, बॉन्ड NH2। यस, तो यहाँ से हम नायलॉन को याद रखेंगे, नायलॉन अमाइन। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी, does not show any trends on moving from one side to another in the periodic table, इसमें से मुझे ऐसी प्रॉपर्टी बताओ जो वेरी होती है, यानी कि उसका रेडियोएक्टिविटी। रेडियोएक्टिविटी,
रिलेक्टिविटी इज करेक्ट आंसर. ओके, रिलेक्टिविटी क्या होती है बताओ मुझे. रिलेक्टिविटी की डेफिनेशन दो मुझे. सर वो रेडिएशन इमिट कर देगी पावर. कौन सा रेडिएशन इमिट करेगी, कौन से पार्टिकल्स को इमिट करती है. मैंने बोला था आप सभी को कौन से पार्टिकल को इमिट करती हो. अल्फा गामा और बीटा. यस, सीक्वेंस याद रखने का. सबसे पहले अल्फा बीटा गामा. सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, गामा पार्टिकल की. ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है मुझे बताओ. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की देखो, अगर किसी कंपाउंड दो एलिमेंट के बीच कोई बॉन्ड होगा तो एक एलिमेंट क्या करेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, जिस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, हम फ्लोरीन को कहते ना इलेक्ट्रोनेगेटिव. सबसे फ्लोरीन को, उसकी साइज बहुत शॉर्ट होती है, इसकी वजह से वो जो सराउंडिंग के जो एलिमेंट होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन को भी अपने ओर खींच लेता है. देखो यहाँ पर, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, यहाँ पर जो ट्रू दिया है उसको पॉज करो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द एल्यूमिनियम. यहाँ पर ट्रू नहीं है, यहाँ पर फॉल्स है. चैट बॉक्स में आंसर दो जल्दी जल्दी. सर ऑप्शन सी बहुत सिंपल है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है. सिर्फ अच्छी तरह से ऑप्शन को रीड करो, ऑप्शन को रीड करो. यहाँ पर क्या दिया है, एल्यूमिनियम. यहाँ पर हमें फॉल्स स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है. क्या इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है रिगार्डिंग एल्यूमिनियम. ऑप्शन सी सर. अच्छी तरह से देखो तुम सभी ऑप्शन को, अच्छी तरह से देखो ऑप्शन डी. अब देखो हम ऑप्शन ए का एक्सप्लेनेशन देते हैं अच्छी तरह से. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर. एम्फोटेरिक का मीन्स क्या होता है सर, मतलब वो जो एलिमेंट है वो एसिडिक भी नहीं और बेसिक पर नहीं, भी नहीं. हम एसिडिक भी नहीं और बेसिक नहीं ऐसे नहीं कहेंगे. हम जो ये जो हाइड्रोक्साइड होती है वो एसिडिक भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं और बेसिक की दोनों की भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं. क्या कुछ रिएक्शन में एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, कुछ रिएक्शन में बेसिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, उसको हम कहेंगे एम्फोटेरिक नेचर. तो एल्यूमिनियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट. सेकंड ऑप्शन देखो, एल्यूमिनियम एग्जिस्ट इन द प्री स्टेट इन नेचर. एल्यूमिनियम प्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है नेचर में. एल्यूमिनियम प्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है नेचर में. ऑप्शन बी को देखो अच्छी तरह से, करता है एग्जिस्ट. एल्यूमिनियम हमेशा ऑक्साइड के फॉर्म में रहते हैं ना, ऑक्साइड बनाते हैं ना. एल्यूमिनियम प्री स्टेट में नहीं रहता, पता है सभी को. समझ नहीं आ रहा है कि नहीं सभी को. हेलो बच्चों, आपकी वॉइस नहीं आ रही. सर इसका ऑप्शन ए आंसर है शायद. नो, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. ओके, तो यहाँ पर देखो सर, थर्ड ऑप्शन में नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 प्लस एल्यूमिनियम इक्वल टू एल्यूमिनियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस होगा ना, तो इस पर डज नॉट रिएक्ट दिया है, तो रिएक्ट तो करता है ना सर. क्यों नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट ही नहीं करता हूँ. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. ओके, अब देखो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर.
विथ दिस स्टेटमेंट ट्रू सेंटेंस कौन से है इसमें से ऑप्शन ए इज ट्रू ऑप्शन सी इज ट्रू ऑप्शन डी इज ऑल्सो ट्रू बट यहाँ पर हमें फॉल्स पूछा क्या यहाँ पर हमें फॉल्स पूछा यहाँ पर ट्रू दिया वाला है ये गलती से प्री क्वेश्चन की वजह से हो गया आ रहा है समझ में ऑप्शन डी ऑप्शन बी मुझे सीधी सी बात बताओ एल्यूमिनियम प्री स्टेट में रहता कहीं में प्रेजेंट रहता है क्या नहीं रहता है वो हमेशा ऑप्शन के फॉर्म में रहते हैं ना हाँ सर खाना पके तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस सभी को आंसर आना चाहिए सभी को आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का बोल सी सर CaSO4 2 2H2O सर ऑप्शन सी या फिर बी अच्छी तरह सोच कर बताओ मुझे सी सर BaB2H2O यस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर कैल्शियम सल्फेट के टू मॉलिक्यूल रहते हैं और वाटर का एक मॉलिक्यूल रहता है अच्छी तरह से याद रखो ये तो आ नहीं सकते यहाँ पर 5H2O दिए ये तो ऑप्शन डी भी नहीं आ सकता यहाँ पर तो मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया है ये दोनों निगलेट हो जाएगी हमारे कंपेरेटिवली बी और सी में हमें कंपेरिजन करना है तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर याद रखो अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को ओके प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हो क्या यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर ऑफ पेरिस आइडल्स वगैरह बनाने के लिए यस ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट सभी को पता है इसका आंसर ये थी उत्तरी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है CaCO3 यस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO या फिर Ca CaCO3 टू नेगेटिव आएगा ऑक्साइड कार्बोनेट पूछा है कार्बोनेट ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इनमें से ट्रांजिशन मेटल तो बताओ मुझे जल्दी जल्दी कौन सा है बताओ ट्रांजिशन एलिमेंट पता है सभी को किसके कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक पता है सभी को डी ब्लॉक के जो एलिमेंट रहते हैं उसको हम ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन यस ट्रांजिशन एलिमेंट जो एस और पी ब्लॉक के मिडल में सिचुएट करते हैं ओके तो कौन सा इसमें से सर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी ओके और कोई आंसर है यस सिद्धार्थ जगताप से आंसर दिया आपने क्या आएगा फिर इसका आंसर यस मैग्नीस मैग्नीस एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम किस ब्लॉक में प्रेजेंट रहता है एल्यूमिनियम यस ब्लॉक में प्रेजेंट रहता है पी ब्लॉक एल्यूमिनियम पी ब्लॉक में प्रेजेंट रहता है मैग्नीशियम यस ब्लॉक कैल्शियम यस ब्लॉक कैल्शियम यस ब्लॉक कैल्शियम बी यस ब्लॉक यस यस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन ऑल बायोलॉजिकल कंपाउंड द मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट कौन सा रहता है बताओ कार्बन कार्बन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन अच्छी तरह सोच कर बताओ कौन किस्म तू बताओ चैट बॉक्स में आंसर दो कार्बन सर फंडामेंटल एलिमेंट में बेसिक बेसिक एकदम बेसिक जिससे सब मैक्सिमम जिसको उसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा रहता है बेसिक एलिमेंट जैसे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहते हैं वो किससे बने रहते ज्यादातर करके कार्बन से बने रहते हैं तो हम कार्बन को क्या कहेंगे फंडामेंटल एलिमेंट ओके और यहाँ पर हमें क्या पूछा है सर ऑक्सीजन है सर ऑक्सीजन आएगा इसका आंसर Yes, sir.
देखो यहाँ पर जो बायोलॉजिकल कंपाउंड होते हैं उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं ना, ऐसी थोड़ी बात है, जो बायोलॉजिकल होती है वही ऑर्गेनिक होते हैं। ओके, तो सीधा से इस क्वेश्चन का ऐसा मीनिंग ले लो, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट कौन सा है, अब बताओ मुझे इसका इसका आंसर। ऑप्शन सी कार्बन इज करेक्ट आंसर, और कार्बन इज करेक्ट आंसर। ओके देखो सर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इज नॉट प्रेजेंट, किसमें कार्बन नहीं प्रेजेंट है था, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, यस सर नन ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। नो सर, किसमें प्रणोदर पूछे कौन कैसा है इसका आंसर, कौन में तो कार्बन प्रेजेंट रहता है ना सर, बी सर बी, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इन सभी में डायमंड में भी कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ग्राफाइट में भी रहता है, कोल में भी रहता है, तो इसकी वजह से हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके देखो हमारा सेशन सेशन का टाइम हो गया आपका, आगे का भी लेक्चर है तो हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। ओके तो सभी को गुड नाइट। ओके गुड नाइट सभी को, गुड नाइट सर। ओके सर गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। अगले सेशन को एंजॉय करो सभी अच्छी तरह से। ओके सर, ओके यस सर, बाय सर। थैंक यू सर। Thank you.